मेरा नाम है डॉक्टर अपनीत गुप्ता और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन लेके आया हूँ जो मुझे अभी अभी पता चली है, एक नई सनस्क्रीन है विच इज अ बेस अगेन इट्स लाइक फाउंडेशन विद सनस्क्रीन, जब आपको सनस्क्रीन का इफेक्ट भी देगी लाइक SPF 30 भी है इसमें और विद द फाउंडेशन विद द बीबी कुशन क्रीम लाइक सीसी क्रीम और बीबी क्रीम तो आपके दाग धब्बे ब्लेमिशेस हटा देगी और इट्स अ वाटरप्रूफ और दिन भर लॉन्ग लास्टिंग है वो, तो हम लोग ट्राई करेंगे। उसके पहले जस्ट मैं अभी नहा के आया हूँ, मैं आपको स्किन दिखा देता हूँ मेरी, तो मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही है, यू कैन सी यहाँ पे लिटिल ड्राइनेस है, मैंने स्मूथनेस बिल्कुल हटा के रखी फिर ये इसमें कैमरे में, तो यू कैन सी यहाँ पे ड्राइनेस वगैरह है मेरे को स्किन में और मैंने अभी कोई ऐसा तो मैं कोई भी सनस्क्रीन में कोई भी क्रीम लगाने के पहले मैं सीरम लगाता हूँ अपने स्किन में ताकि मेरी स्किन में कोई ड्राइनेस आ रही तो वो ख़त्म हो जाए। तो मैं विटोनॉमिक्स का विटामिन सी सीरम मैं अप्लाई कर रहा हूँ अभी क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था और मेरे को ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, बहुत सारे मेहमान आके देखे जाते हैं तो मेरे पास बहुत कुछ रखा हुआ है तो मैं सब खरीदता नहीं, आप कोई भी सीरम लगा सकते हो, आप जो भी सीरम रखा है तो मैं ये वाला सीरम लगा रहा हूँ तो ताकि मेरी स्किन में थोड़ी स्मूथनेस आ जाए। तो कभी भी आप कोई भी चीज अप्लाई करें तो फेस नेक एंड ईयर्स में प्रॉपरली लगाएं। मेरे को थोड़ी सर्दी हो रही है। ओके तो अभी मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के सामने, इसको खोलूंगा, इसमें दो तीन शेड आते हैं, एक है लाइट शेड, एक है मीडियम शेड, एक है टैन शेड, तो मैं टैन वाला शेड डार्क वाला शेड निकाल रहा हूँ बिकॉज मैंने मीडियम शेड यूज किया था, मतलब ट्राई मारा था ऐसे ही फेस पे नहीं मारा था, हाथ में मारा था तो वो कुछ ज्यादा वाइट हो रहा था तो मैंने उसको निकाल के रख दिया, मैंने यूज फिर मैंने रख दिया, मैंने कहा मैं यूज नहीं कर पाऊंगा इतना ज्यादा। तो ये है, मैं आज आपके सामने पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, इट्स ऑल सील पैक, इसकी सील मैं तोड़ता हूँ। ओके सो इसको थोड़ा बहुत कम लेना है आपको, बहुत ही थोड़ी मात्रा में लगाना है इसको, बहुत कम लगता है ये, आपको ज्यादा नहीं लेना है, हल्का सा आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको लगाना नहीं है, नाइट लॉट लाइक फाउंडेशन या समथिंग, ये आपको सनस्क्रीन का इफेक्ट भी देगी और कुशनिंग इफेक्ट भी देगी, कोई ब्लेमिशेस होंगे वो खत्म हो जाएंगे, कहीं भी आपको स्पॉट आ रहे दाग धब्बे आ रहे हैं तो यू कैन यूज इट। मुझे लगता है मैं थोड़ा और ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा। ओके तो मैंने इसको थोड़ा और निकाला है। ओके ऑलवेज रिमेंबर आपको जब भी आप लगाएं तो प्रॉपरली गले पे भी लगाइए वरना आपका गला अलग दिखेगा। ओके कोई भी आप क्रीमें अप्लाई करते हैं, कोई फाउंडेशन भी यूज करते हैं तो भी आप नेक पे और ईयर्स पे प्रॉपर लगाइए, ठीक है। और जनरली इसके लिए कुशनिंग वो कुछ कुछ आते हैं यूज करते हैं लोग, ब्लेंडर वगैरह, मैं तो यूज नहीं करता हूँ, मैं तो हाँ मेरी मुझे हाथ से करना ज्यादा मजा आता है। अच्छे से मैं इसको लगा पाता हूँ हाथ से, मेरी हैबिट है हाथ से करने की। सबसे अच्छी बात इस चीज की यह है कि ये वाटरप्रूफ है, आपको एक ही बार लगाना है और ये पानी से वॉशिंग होगा, आप स्विमिंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो और ये पूरे दिन भर चलेगा और आपको एक नेचुरल लुक देगा। और सब एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी आप इस टाइप की कोई भी चीज़ लगाइए तो ये जो आई है, ये आईब्रो आपकी, इसको क्लियर कर लीजिएगा वरना आईब्रो पे लगा के छोड़ मत देना वरना वो बहुत ही और दिखेगा, यू हैव टू क्लीन योर आईब्रो। दाढ़ी वाड़ी एक्स्ट्रा जो लगाया वो निकाल लीजिए, यू कैन सी इसकी तो मेरी अभी भी ड्राई हो रही है मगर एक अलग ही ग्लो शाइनिंग इफेक्ट आपको आ जाता है। आई डोंट नो कैमरे में कितना अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट मुझे फिजिकली सामने दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो इसका नाम है डर्माकोल। मैं इसके लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको जाके परचेज कर सकते हो www.lesscoming.com पे। ये अराउंड 30 ग्राम की क्रीम आती है, ट्यूबली ट्यूब आती है, जो कि आपको प्रॉपरली अगर आप जिस तरीके से मैंने लगाया है मुझे लगता है ये अराउंड 3-4 महीने चलेगी। मतलब बहुत ही कम मात्रा में आपको लगाना है। अगेन डिपेंड, अगर आपको हाथ पैर को भी गोरा करना है तो यू कैन अप्लाई इट, बट आई वोंट सजेस्ट यू कि आप वहां पे यूज करिए। जस्ट फेस पे लगाओ, नेक पे लगाओ और कानों पे लगाओ। इसको मेल फीमेल कोई भी यूज कर सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये SPF 30 के साथ है, तो आप एक ही बार अप्लाई करना है और दिन भर आपका फेस चमचमाता रहेगा और इट्स हाइपो एलर्जी, आपको कोई एलर्जी वर्जी नहीं होगी। इसके अलावा आपकी ड्राई है तो पहले से कोई भी प्राइमर या कोई सीरम लगा लीजिएगा, जैसे मैंने सीरम लगाया। प्राइमर भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी बेस वाला। इसके ऊपर आप सेटिंग पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप मेकअप करना चाहो तो उसके ऊपर सेटिंग पाउडर लगा के आप सेटिंग स्प्रे भी यूज कर सकते हो, वो आपका सेट कर देगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अरविंद गुप्ता।